आज मैं बात करूंगा कुछ नया ट्राई करने के बारे में, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करें और गेमिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव सक्सेना एंड वेलकम टू दी सिक्स्थ एपिसोड ऑफ द अभिनव सक्सेना पॉडकास्ट शो। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ट्रेनर और एक पब्लिक स्पीकर हूं। साथ में आई एम सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ ER4U, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया। क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, सो रोज फेलियर होते हैं, रोज सक्सेस मिलती है। और ये जर्नी अपने आप में इतना कुछ सिखाती है कि मैंने सोचा बाकी लोगों तक भी ये एक्सपीरियंस पहुंचाना चाहिए। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, तो जो भी बातें मैं करता हूं, ये मेरे लर्निंग्स का एंगल है जिससे शायद आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले, और इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट शो शुरू किया है। सो अब पॉइंट पे आते हैं। मैं कोई पॉडकास्टर नहीं हूं, ना ही कोई यूट्यूबर, स्नैपचैटर, इंस्टाग्रामर या फेसबुकर हूं। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबका अटेंशन इन चीज़ों पे है, और जहाँ लोगों का अटेंशन है ना, वहीं गेम होता है। इनफैक्ट अगर कल ही आप ये सारे प्लेटफॉर्म छोड़ के वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो, रेडियो सुनने लगते हो, जैसे कि ये 1960s 1970s का दौर है, तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे जाने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा का पूरा गेम है अटेंशन का। एक बार आपने अपने आप को पोजीशन कर दिया ना जहाँ लोगों का अटेंशन है, उसके बाद आप जो बोलोगे वो सुनेंगे, उसके बाद आप जो बेचोगे वो खरीदेंगे। बातों का किसी के कोई भी विश्वास मत करो, इनफैक्ट मेरी भी नहीं, लेकिन एक्शंस का विश्वास करो। मैं जो कर रहा हूँ ना, उसको देखो और उसको बिलीव करो। सो इसी का एग्जाम्पल है, मैंने अभी रिसेंटली इंस्टा व्लॉगिंग स्टार्ट की है। व्लॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है वो वीडियो और ब्लॉग का कॉम्बिनेशन से बन के आया है। सो सिंपल वर्ड्स में, मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता हूँ डे टू डे बेसिस पे, जो भी मेरी लर्निंग्स होती हैं, जैसे मैं पॉडकास्ट में शेयर करता हूँ। अब पॉडकास्ट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, एक फॉर्मेट सोचना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट सोचने होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बात करनी होती है। बट व्लॉगिंग में जो कुछ भी मेरे साथ दिन भर में हो रहा होता ना, मैं तुरंत कैमरा निकालता हूँ, मोबाइल का ही, सामने फेस के करता हूँ और एक छोटी सी 15 सेकेंड्स की क्लिप में अपनी बात कह देता हूँ। और अभी तक उसके मैंने 18 एपिसोड शूट कर लिए हैं, और पता है क्या, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियो ब्लॉगिंग का। बहुत गट्स चाहिए यार, हिम्मत चाहिए कैमरे के सामने जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बोलने की। बहुत लोग नहीं कर पाते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर है आप में गट्स ना, तो करके दिखाओ यार, ब्लॉगिंग करके दिखाओ और खुद देखो कि कितना ज़्यादा अटेंशन मिलता है और उससे आपके करियर में, आपके बिजनेस में कितना ज़्यादा फायदा होता है। अब आप सोचेंगे कि कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ करेंगे, अरे आपको क्या, मुझे अभी तक कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। किसी ने, कोई दिल्ली के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा सा मेल मुझको लिख के भेजा। वो फॉलो कर रहे थे कुछ दिनों से मेरे इंस्टा व्लॉग्स, मेरे पॉडकास्ट, मेरे यूट्यूब वीडियोस, मेरे लाइव शोज, मेरे सेमिनार्स, मतलब बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैं डाल रहा हूँ, तो वो फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर मुझको बहुत लंबा चौड़ा लिखा कि तुम बहुत सारी बातें करते हो और काम कुछ नहीं करते हो, और ये एडिक्शन है, और इस टाइप की बहुत सारी, क्या बताऊँ क्या क्या नहीं लिखा उन्होंने। जिसका मैंने पता है क्या रिप्लाई किया, मैंने कहा थैंक यू सर, अभी तक एक भी इंसान ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपने क्रिटिसाइज करके आज प्रूफ कर दिया कि एकदम सही जा रहा हूं मैं। सो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको भी लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिले ना, तो इसी तरीके से आप उनको भी हैंडल कर सकते हो। और उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता, पता है, ऐसा आंसर सुनने के बाद दे आर ब्लैंक। सो आज ही जाओ सोशल मीडिया अकाउंट पे और अपने आप को पहले समझो कि आप किस चीज में अच्छे हो। क्या आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, क्या आप बोलने में अच्छे हो, क्या आप वीडियोज़ में अच्छे हो, और जो आपकी स्ट्रेंथ हो ना, उस स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया अपलोड करो, बनाओ, मत दिमाग लगाओ। हो सकता है नहीं अच्छा बने, कोई बात नहीं, डालो बस। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने 25 यूट्यूब के वीडियोज़ बना लिए। मैंने कहा वाओ। तो कहते हैं लेकिन अपलोड एक भी नहीं किया। मैं क्यों,
अब मैं सोच रहा हूं ना, जब परफेक्ट बनेगा तब करूंगा अपलोड, या कुछ कहते हैं कि मैं एक साथ सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। बैड प्लान, बैड प्लान, ऐसा बिल्कुल मत करना। जब जैसा अच्छा बुरा वीडियो, ऑडियो, फोटो, पोस्टर जो बना सकते हो ना, बनाओ और अपलोड करो। डू नॉट वेट, इंतजार मत करो, वो परफेक्ट टाइम के साथ होगा, आपके एक्सपीरियंस के साथ होगा। बस डालो, हेजिटेट मत करो, ऑकवर्ड मत हो। मैं भी आज अपने पुराने पोस्ट देखता हूँ तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। मैं बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे मतलब बहुत अजीब लगता है ये मैंने अपलोड भी कैसे कर दिया, लेकिन उस समय की वही नीड थी, उस समय वही बेस्ट था मेरे लिए। इस बात को अच्छे से समझो और जाओ और कुछ अपलोड करके मुझे सेंड जरूर करना, मुझे टैग जरूर करना। मुझे बड़ा प्राउड फील होगा, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इतनी सारी आप लोग के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कुछ तो ऐड कर दूँ आपकी लाइफ में। अगर किसी एक बंदे ने भी मुझको टैग कर दिया ना, आई विल बी सो प्राउड। अब कुछ पब्लिक क्वेश्चन लेते हैं। कीर्ति योगी ने सवाल पूछा है, जो है झांसी से, रहती है इंदौर में। इनका कहना है कि इनका पैशन है फैशन डिजाइनिंग, बट ये एचआर फील्ड में काम कर रही थी जो इन्होंने छोड़ दिया है, और अब घर वाले इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये एक नए कोर्स पे टाइम इन्वेस्ट करें और उसके बाद उस पे काम करना शुरू करें। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक यंगस्टर, हर एक कॉलेज पास आउट या कॉलेज में जाने वाला बच्चा कहीं ना कहीं फेस कर रहा होता है, कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले नहीं चाहते मैं ये करूं, मैं वो करूं, पैशन कुछ और है। यार एकदम वन लाइन सिंपल आंसर दूं इसका, हर वक्त, हर जगह, हर चीज में घर वालों की नहीं सुननी चाहिए, अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखो। कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई भी ट्रिक नहीं है इसकी। घर वालों के सामने बैठो, आंखों में आंखें डाल के सीरियस होके बात करो कि क्या आप चाहते हो। मैं जिंदगी भर अफसोस करूं कि अगर मैं वो कर लेता तो लाइफ कुछ और होती। चाहते वो भी यही है कि आपकी लाइफ बेस्ट से बेस्ट हो, बस कम्युनिकेशन गैप रहता है। वो चीजों को अपने जमाने के हिसाब से देखते हैं और आप उनको आज के जमाने से अवेयर नहीं कराते हो, आप उनको पॉसिबिलिटीज नहीं बताते हो, आप उनको ऐसे लोगों से नहीं मिलाते हो जिन्होंने इस फील्ड में अपने दिल की सुन के कुछ अपना नाम बनाया या कुछ बड़ा काम कर लिया। ये करना शुरू कर दो, मैं गारंटी देता हूं मैक्सिमम घर वाले आपको अलाउ कर देंगे जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन वो जो जिद है ना, वो जो दिल में एक जुनून है ना, वो होना चाहिए, और वो आपकी आंखों में जब दिखेगा तो हर कोई पिघलता है। और पता है क्या, जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज अपने घर वालों को बताओ, खासकर ऐसी चीजें जो एक्चुअली अच्छी हैं, और सिर्फ एक्सपोजर ना होने की वजह से, जो जमाना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी नॉलेज ना होने की वजह से आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं। तो अपने दम पे कुछ चीजें छुपा कर अपने लेवल पे अचीव करने की कोशिश करो। कितने सक्सेसफुल लोगों ने ये किया है, और एक बार एक मुकाम जब पहुंच जाता है ना, उसके बाद घर वालों के सामने पेश करो कि ये मैंने कोशिश की, यहां तक मैं पहुंच गया, ये मैंने कर लिया है, अब क्या मैं इसको आगे कर सकता हूं। अब उनको दिख रहा होगा कि आप में वो बात है, आप ऑलरेडी उस रास्ते पे आधे जा चुके हो, और उनके जरा से सपोर्ट की वजह से आप जीत जाओगे, और हर माँ बाप अपने बच्चों को जीतता हुआ देखना चाहता है। सो, इस एपिसोड के लिए इतना ही। गेमिंग के बारे में मैं एपिसोड 7 में बात करूंगा, और यार अब तो क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। मैंने हैशटैग आस्क अभिनव भी शुरू कर दिया है, जिसमें अगर आपके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं आपको कॉल करता हूं, और कॉल करके वन ऑन वन आपको समझाता हूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, बिजनेस या करियर से रिलेटेड। तो पहला कदम उठाओ, कमेंट्स में जाओ और अभी क्वेश्चन पूछो। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या नया ट्राई करने वाले हो इस हफ्ते? मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है मोटिवेशन की या नॉलेज की या बिजनेस मार्केटिंग सेल्स की, उनसे ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ।
ये पॉडकास्ट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इसे आप यूट्यूब पे या साउंड क्लाउड, स्टिचर जैसे ऐप्स पे या मेरी वेबसाइट iamabhinavsaxena.com पे या आईफोन यूजर्स डायरेक्टली आईट्यून्स के पॉडकास्ट ऐप पे अभिनव सक्सेना पॉडकास्ट सर्च करके सुन सकते हैं। आपके एक एक कमेंट मैं ध्यान से पढ़ूंगा, तो कंजूसी बिल्कुल मत करना। अभिनव सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय।